दोस्तों फाइनली अब जो जजमेंट डे का ब्रेकअप है वो हमें देखने को मिलने वाला है। आज मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में उसके जो ग्लिम्स हैं वो हम सभी को देखने को मिल गए हैं। स्वागत है दोस्तों आप सभी का रेसलिंग रेंजर की एक और नई वीडियो के अंदर। और आज दोस्तों हम रिव्यू करने वाले हैं आज हुए मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में, जहां पर दोस्तों मनी इन द बैंक से पहले ये हमें मंडे नाइट रॉ का आखिरी एपिसोड देखने को मिला, जहां पर दोस्तों काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं, और डेली रेसलिंग की लॉन्ग शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों शो की स्टार्टिंग हमें मेन इवेंट जेउसो के साथ देखने को मिलती है, जहां पर दोस्तों जो उनकी एंट्रेंस थी वो भाई साहब काफी ज्यादा कमाल की हमें देखने को मिली। दोस्तों इसके बाद जे उसो यहाँ पर क्राउड का वेलकम करते हैं। जे उसो बोलते हैं कि जो मनी इन द बैंक के अंदर ना तो कार्मेलो हेज जीतने वाले हैं, ना एंड्रॉयडे जीतने वाले हैं, ना एलेनाइट जीतने वाले हैं, और ना ही चैट गेबल जीतने वाले हैं, बल्कि जीतने वाले हैं यहाँ पर जे उसो। और इतने में ही दोस्तों यहाँ पर हमें चैट गेबल का म्यूजिक सुनने को मिलता है। चैट गेबल दोस्तों यहाँ पर आकर बोलते हैं कि मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन देता हूँ तुम सब इडियट्स को कि मनी इन द बैंक के अंदर मैं ही ब्रीफकेस को जीतने वाला हूँ, और ये चीज़ काफ़ी डिफरेंट होने वाली है। इसके बाद दोस्तों चैट गेबल और जो जे उसो रिंग के अंदर वर्ड्स को एक्सचेंज कर रहे थे, लेकिन अचानक से दोस्तों चैट गेबल यहाँ पर जे उसो के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन जो जे उसो वो दोस्तों उनको सुपर किक लगाते हैं, इसके बाद वो रिंग से बाहर हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों अंकल हाउडी का म्यूजिक सुनने को मिलता है। जो वाइट सिक्स थी वो फिर से हमें मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में देखने को मिली। होली शिट के चैंट हमें सुनने को मिल रहे थे। चैट गेबल दोस्तों यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन जो कमेंट्री टेबल के ऊपर माइकल कोल बैठे हुए थे उनको दोस्तों फिर से एक टेप दी जाती है, और इस तरीके से जो ये सेगमेंट है ये हमें देखने को मिलता है। और जो सिक्योरिटीज है वो हमें फिर से रो के अरीना में देखने को मिल रही थी। इसके बाद दोस्तों शो के ऊपर हमें जेबियर वुड्स वर्सेस काइना क्रॉस के बीच में मैच देखने को मिलता है। भाई काइना क्रॉस की तो जो बुकिंग है वो दोस्तों बिल्कुल WWE ने फीकी बना दी है। इस मैच के अंदर दोस्तों जेबियर वुड्स ने काइना क्रॉस को हरा दिया, लेकिन मैच खत्म होने के बाद जो फाइनल टेस्टीमेट है उन्होंने यहाँ पर कोफी किंगस्टन और जेबियर वुड्स के ऊपर अटैक किया। और हम होप करते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर जो ट्रिपल एच है वो दोस्तों यहाँ पर जो काइना क्रॉस है उनके साथ काफी कुछ अच्छी थिंग्स को आगे हम सभी फैंस के सामने प्रेजेंट करें। दोस्तों इसके बाद हमें शो के ऊपर वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है लिम मॉर्गन वर्सेस ज़लीना वेगा के बीच में। इस मैच के अंदर दोस्तों जो मैच था ये ओवरऑल काफी ज्यादा एंटरटेनिंग था। इस मैच के अंदर दोस्तों रे मिस्टेरियो भी हमें देखने को मिलते हैं, जहां पर जो डोमिनिक मिस्टेरियो वो लिम मॉर्गन की मदद करने के लिए आए हुए थे। दोस्तों उन्होंने यहां पर स्टील चेयर को भी दिया, और जिसका फायदा दोस्तों यहां पर जो ज़लीना वेगा है उन्होंने उसी स्टील चेयर से डोमिनिक मिस्टेरियो के ऊपर अटैक तो किया, लेकिन एंड में दोस्तों जो लिम मॉर्गन है वो अपना फिनिशर लगाकर इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर लेती हैं। दोस्तों इसके बारे में शो के ऊपर सेथ फ्रीकिंग रोलंस देखने को मिलते हैं। सेथ रोलंस यहाँ पर आते हैं, क्राउड का वेलकम करते हैं, और सेथ रोलंस बताते हैं कि सेथ रोलंस किस तरीके से रेवोल्यूशनरी है, विजनरी है, और अगले हफ्ते सेथ रोलंस तुम्हें वर्ल्ड चैंपियन के साथ इस रिंग के अंदर देखने को मिलने वाला है। दोस्तों इसके बाद हमें डेमन प्रिस्ट और फिन बैलर देखने को मिलते हैं, जहां पर दोस्तों सेथ रोलंस उनके आने से पहले यहां पर बोल रहे थे कि ये ट्रैप है, लेकिन जो डेमन प्रिस्ट है वो बोलते हैं कि ये ट्रैप नहीं है, जो ये बिजनेस है ये मेरा है और इसके अंदर किसी को भी इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से दोस्तों जो टीज है वो मिलता है कि आने वाले टाइम के अंदर फिन बैलर और डेमन प्रिस्ट के बीच में हमें फ्यूड देखने को मिलने वाली है। इसके बाद दोस्तों सेथ रोलंस बोलते हैं कि सेथ रोलंस जो हैं वो तुमको सिर्फ तुम्हारी चैंपियनशिप नहीं छीनने वाला मनी इन द बैंक के अंदर, बल्कि वो तुमसे जजमेंट डे भी छीनने वाला है। और इसके बाद सेथ रोलंस पूरी एनर्जी से बोलते हैं चलो मनी इन द बैंक छोड़ो, आज हम यहाँ पर एक्शन करते हैं। और इतने में दोस्तों पीछे से यहाँ पर फिन बैलर सेथ रोलंस के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन जो डेमन प्रिस्ट है वो फिन बैलर को रोकते हैं, लेकिन सेथ रोलंस जो है वो सुपर किक लगाते हैं दोनों को। और इसके बाद सेथ रोलंस फिन बैलर के ऊपर स्टॉम्प लगाते हैं, लेकिन जो डेमन प्रिस्ट है वो अपना साउथ ऑफ हेवन झोक स्लैम लगाते हैं सेथ रोलंस को। तो इस तरीके से ये हमें सेगमेंट देखने को मिलता है, और यहाँ से दोस्तों क्लियर हिंट है कि मनी इन द बैंक के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल चीज जरूर देखने वाली है इस मैच के अंदर। क्या डेमन प्रिस्ट जीतेंगे या फिर सेथ रोलंस जीतेंगे, इस मैच के लिए हाइप दोस्तों काफी अच्छी क्रिएट हो चुकी है। दोस्तों इसके बाद हमें मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाइंग मैच देखने को मिलता है डकोटा काई वर्सेस जोई स्टार्क वर्सेस नाइल के बीच में, और सिंपली यहां पर दोस्तों जो जोई स्टार्क है वो इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर लेती हैं। दोस्तों इसके बाद हमें शो के ऊपर बाद वर्सेस बेटे का मैच देखने को मिलता है, यानी कि डोमिनिक मिस्टेरियो वर्सेस रे मिस्टेरियो के बीच में मैच देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों लिम मॉर्गन भी आती है, और इस मैच के अंदर दोस्तों जो वो सीन है पीजी एरा से
आउटसाइड का वो भी हमें देखने को मिलता है। आप लोग समझ रहे होंगे, यहाँ पर आप फोटो के अंदर देख पा रहे हैं, ये कुछ ऐसा सीन हमें देखने को मिलता है। लेकिन ज़ेलिना वेगा भी यहाँ पर आती हैं, और एंड में दोस्तों जो रे मिस्टेरियो है वो अपनी 619 स्प्लैश लगाकर इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें सैमी ज़ेन और ब्रोन ब्रेकर के बीच में सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर दोस्तों जो सैमी ज़ेन है वो यहाँ पर बता रहे थे कि मैं ब्रोन ब्रेकर को किस तरीके से हराने वाला हूँ मनी द बैंक के अंदर, जो कि उनके होम टाउन से होने वाला है। ब्रोन ब्रेकर भी यहाँ पर आते हैं और ब्रोन ब्रेकर भी क्लेम करते हैं कि वो स्पीयर लगाकर किस तरीके से यहाँ पर जो सैमी ज़ेन है उनकी चैंपियनशिप उसे छीलने वाले हैं। और सैमी ज़ेन यहाँ पर बोलते हैं कि तुम इतने भी अच्छे नहीं हो रिंग के अंदर जितना तुम अभी बता रहे हो, मनी इन द बैंक के अंदर जो तुम्हारी पावर है वो मिसयूज होने वाली है। और इसके बाद दोस्तों ब्रोन ब्रेकर यहाँ से जाने का इशारा करते हैं, लेकिन वो दोस्तों स्पीडली तरीके से यहाँ पर सैमी ज़ेन को स्पीयर लगाते हैं। और इसके बाद दोस्तों वो आउटसाइड फिर से स्पीयर लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन जो सैमी ज़ेन है वो डक कर देते हैं, जिसकी वजह से स्टील स्टेप्स के ऊपर ब्रोन ब्रेकर लगते हैं और इनके बीच में ब्रोल होती है। रिंग के अंदर दोस्तों सैमी ज़ेन अपनी हलुआ किक लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन जो ब्रोन ब्रेकर है वो फिर से सैमी ज़ेन को यहाँ पर स्पीयर लगाते हैं और में दोस्तों वो स्टैंड डॉल करते हैं आईसी चैंपियनशिप के साथ। और मनी इन द बैंक के अंदर भी भाई ये भी काफी जबरदस्त मैच होने वाला है, और ये दोस्तों बाकी में काफी अच्छा प्रोमो आज हमें मंडे नाइट रॉ के एपिसोड से देखने को मिलता है। दोस्तों इसके बाद हमें शो के ऊपर मेन इवेंट मैच देखने को मिलता है, जो कि था ट्रिपल थ्रेड मैच ड्रू मैकइंटायर वर्सेस ड्रैगनो वर्सेस शेमस के बीच में। और भाई साहब क्या बैंगर मैच हमें देखने को मिला, काफ़ी ज़्यादा फिजिकल एक्शन इस मैच के अंदर था। यहाँ पर हमें काफ़ी सारे फिनिशर्स देखने को मिले, किकआउट्स देखने को मिले, और एंड में दोस्तों यहाँ पर शेमस एंड ड्रू मैकइंटायर रिंग के अंदर होते हैं, जहाँ पर दोस्तों एक पिक्चर परफेक्ट यहाँ पर जो क्लेम और किक है वो अपनी ड्रू मैकइंटायर शेमस के ऊपर हिट करते हैं, और जो ड्रू मैकइंटायर है वो इस मैच के अंदर जीत जाते हैं। और ड्रू मैकइंटायर दोस्तों जो सीएम पंक का ब्रेसलेट था उसको भी डालते हैं, और इंटरव्यू के अंदर ड्रू मैकइंटायर बताते हैं कि मनी इन द बैंक के अंदर मैं मनी इन द बैंक को जीतूंगा, और साथ ही साथ नया वर्ल्ड चैंपियन भी आने वाला हूं मैं मनी इन द बैंक से बनकर। तो इस तरीके से दोस्तों जो ये मैच था ये हमें देखने को मिलता है। ओवरऑल दोस्तों आज का जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड था वो काफ़ी स्पेशल था, काफ़ी अच्छी हमें चीज़ें देखने को मिली। और यहाँ पर दोस्तों मनी इन द बैंक की जो प्रेडिक्शन वीडियो है वो भी दोस्तों चैनल के ऊपर आने वाली है, तो आप सभी चैनल के साथ बने रहिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स के अंदर अपनी राय लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा डेली रेसलिंग की वीडियोस के लिए। मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो के अंदर, टेक केयर एंड गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।